हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म वर्चुअल विद्यालय में। मैं वरुण सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का इस 24वें दिन ऑफ 75 हार्ड फिजिक्स चैलेंज में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज 24 दिन बीत जाएंगे, लगभग महीना भर हम बोल सकते हैं कि हाँ हो गया है। डेली मैं क्लासेस दे रहा हूं आपको, डेली लेक्चर्स दे रहा हूं, और ऐसा भी नहीं है कि मतलब खाली कराना है तो इस हिसाब से मैं आपको लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा हूं। एकदम फुल फ्लेज डेप्थ में जाके सारी चीजें, एकदम होते हैं ना मतलब मोतियां निकाल के, और सब चीज एक तरीके से आपको प्रोवाइड की जा रही है। आप लोगों को बस करना यह है कि लगातार बस पढ़ते रहना है, कंटिन्यूएशन में पढ़ते रहना है। बिल्कुल भी थोड़ा सा भी आपको कहते हैं ना ढिलाई नहीं बरतनी। आप सोचो मतलब सुबह उठ के थोड़ा सा मतलब काम वाम करके एक्सरसाइज करके फिर वापस से लग गए रिकॉर्डिंग में, फिर शाम होते होते ऑफलाइन क्लास, फिर रात को रिकॉर्डिंग, एंड देन इतना सब चीज मैनेज करना पड़ रहा है, और फिर भी हम डेली कर रहे हैं। तो आपके पास तो सिर्फ पढ़ने का काम है, आप वो कर ही सकते हैं, है ना। अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, अपने कैरियर पे ध्यान दीजिए, स्पेशली क्लास 12th आपके लिए तो ये एक टर्निंग पॉइंट है, और इसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। कोई भी गलती तो क्या, लापरवाही नहीं होनी चाहिए। बस एक टाइम सेट कर लो, उसमें पढ़ो और सिर्फ पढ़ो, प्रायोरिटी सिर्फ पढ़ाई को दो, दैट्स इट। ठीक है, चलें आओ। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल्स। क्या क्या निकालेंगे हम लोग? इलेक्ट्रिक फील्ड भी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी। किसकी वजह से? डायपोल की वजह से, यानी इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से अलग अलग पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, ये सारी चीजें हमने निकालनी है। सही है, तो शुरुआत से शुरू करते हैं। सबसे पहला, द वेरी फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। सही बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। अब इसमें जब अपन देख के चलेंगे तो इसमें सबसे पहला केस आएगा, केस नंबर वन। केस नंबर वन, पहला केस फॉर ए पॉइंट लाइंग ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल। कहां पे? डायपोल की एक्सिस पे लाई करने वाला पॉइंट। ठीक है, आओ देखो। ये मान लो डायपोल है, सही। चलो, यहां पे चार्ज है माइनस क्यू, इस जगह है प्लस क्यू, ये इसका मिड पॉइंट है। ये वाला हो गया डी बाय टू और ये वाला हो गया डी बाय टू। इसके एक्सिस पे, इसका एक्सिस कुछ ऐसा होगा। अब इसकी एक्सिस पे ये पॉइंट कहीं पे भी मान लो पी पॉइंट है, पी मत बोलो, एक्स पॉइंट बोल दो। ठीक है, इस एक्स पॉइंट पे, एट दिस एक्स पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ये हमने निकालनी है। हाँ या ना? वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। अच्छा, तो अगर हम लोग यहां पे बात करें, मुझे क्या लगता है, ये बोल दो, पॉजिटिव की वजह से तो इधर धकेल रहा होगा,
इलेक्ट्रिक फील्ड ई पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव की वजह से इसकी तरफ जा रहा होगा, हाँ या ना? नेगेटिव की वजह से इसकी तरफ, पॉजिटिव की वजह से इधर, क्लियर है? अब ये नेगेटिव पॉजिटिव से दूरियां देख लेते हैं। ये देखो ये कितना है, डी बाय टू प्लस आर, क्योंकि यहां से यहां तक मैं मान के चल रहा हूं आर है, कितना है आर, तो ये डी बाय टू नहीं, डी प्लस आर हो गया ना, है ना? ये काम करो ना, यहां से आर नापने की बजाय यहां से नाप लेते हैं, मैं मतलब ये कहना चाह रहा हूं, ध्यान दो, देखो आर यहां से नापा है, तो ये तो डी बाय टू था, ये आर है, तो आर प्लस डी बाय टू, क्लियर? और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आर माइनस डी बाय टू, सही? यहां से यहां तक आ रही है, डी बाय टू है, तो आर माइनस डी बाय टू, इज इट क्लियर? बोलो यार, ठीक है, बस सॉल्व हो गया, मतलब इसको पॉइंट मान लो ए, इसको मान लो बी, ठीक, तो ये बोल सकता हूं ए के कारण इधर की तरफ है और ये बी के कारण अंदर बाहर की तरफ है, बी पे जो चार्ज है पॉजिटिव है इससे बाहर की तरफ। अब मैं क्या करूं, मैं यहां पे ई नेट निकालने जाऊं तो वो कितना हो जाएगा, ई बी की तरफ से आई कैप, ए की तरफ से माइनस आई कैप, सही है? ए की तरफ से माइनस आई कैप, उल्टा दिशा में चला गया, तो कितना हुआ ये, ई बी माइनस ई ए आई कैप, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, सही? देखो ना, बी की वजह से इधर जा रहा है, इसकी वजह से इधर। अब देखो ई कैसे निकालते हैं, पॉइंट चार्ज की वजह से ई को निकालने का तरीका के क्यू अपॉन आर स्क्वायर्ड, हाँ या ना? यही होता है ना, आर उस चार्ज से उस पॉइंट की दूरी को कहते हैं कैपिटल आर, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट चार्ज एंड द पॉइंट जिसपे चार्ज निकालना है, पॉइंट चार्ज और पॉइंट जिसपे चार्ज निकालना है, ये उसके बीच की दूरी है, ठीक है? करो फिर आगे चलते हैं, कॉपी करो प्लीज, कॉपी डाउन।
चले आगे। देखो अगर आप ध्यान दो तो ई नेट को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो बी की दूरी कितनी है, आर माइनस डी बाय टू का होल स्क्वायर है माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस डी बाय टू का होल स्क्वायर, सही है। ये देखो ना के क्यू कॉमन खींच दो, वन बाय आर माइनस डी बाय टू, वन बाय आर प्लस डी बाय टू। यहां जब आप देखोगे के क्यू कॉमन ले लिया, कितना आ गया मेरे बच्चे, ये आ गया आर प्लस डी बाय टू का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस डी बाय टू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर प्लस डी बाय टू का होल स्क्वायर इंटू आर माइनस डी बाय टू का होल स्क्वायर, क्लियर है। अब जब अपन इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आ रहा है, यह आ गया के क्यू इंटू, यहां आ गया आर स्क्वायर डी स्क्वायर बाय फोर प्लस टू टाइम्स ऑफ आर डी बाय टू, ठीक है, सही है। कैंसिल कैंसिल, माइनस आर स्क्वायर्ड माइनस, क्योंकि ये प्लस का डी बाय फोर डी स्क्वायर बाय फोर, तो माइनस डी स्क्वायर बाय फोर, और यहां आ गया माइनस का आर टू इंटू आर डी बाय टू, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये समझ में आया, समझ में आया, ये कैंसिल डिवाइडेड बाय आर प्लस डी बाय टू आर माइनस डी बाय टू, यहां क्या आ जाएगा के क्यू मुझे लगता है कि अगर हम ये लिख कर दें काट दें तो गलती नहीं होगी, आर स्क्वायर से माइनस आर स्क्वायर डी स्क्वायर बाय फोर से ये कैंसिल, तो टू आर डी आ गया ये डिवाइडेड बाय आर प्लस डी बाय टू का स्क्वायर आर माइनस डी बाय टू का होल स्क्वायर, सही है, ये ई नेट आ गया। अभी देखो इसको सॉल्व करता हूं, मतलब ये जनरल आ गया, लेकिन हमारे कोर्स में स्मॉल डाइपोल है तो स्मॉल डाइपोल के लिए क्या होगा अभी बताता हूं, कॉपी कर लो इसे पहले, काइंडली कॉपी इट डाउन।
चले आगे। अब देखो इन केस ऑफ शॉर्ट डाइपोल्स, तो बच्चे शॉर्ट डाइपोल्स के लिए क्या हो जाएगा, आर इज वेरी मच ग्रेटर देन डी बाय टू, जिसका क्या तात्पर्य हुआ, जिसका सीधा सीधा मतलब हुआ कि ई नेट बराबर ट्वाइस ऑफ के क्यू आर डी डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर्ड इंटू आर स्क्वायर्ड, यही बचेगा नहीं, ऐसा ही बच रहा है ना, ध्यान दो। अरे यार इससे देखो ना, कंपेयर करके देखो, इसे सीधे सीधे कंपेयर मारो, इसे हो रहा है क्लियर, ये नेगलेक्ट हो गया, ये नेगलेक्ट हो गया, आर स्क्वायर्ड बचा, आर स्क्वायर्ड बचा। अब जब ये बचा तो एक आर से एक आर उड़ा दो, क्या आ रहा है यहां पे, ई नेट बराबर ट्वाइस ऑफ के क्यू डी अपॉन आर क्यूब, ध्यान रहे क्यू डी तो पी है, अरे यार डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, क्यू इंटू डी, हा या ना। तो फॉर्मूला क्या बन गया, ई नेट बराबर टू के क्यू, सॉरी टू के पी अपॉन में आर क्यू, खत्म। ये क्या आ गया फॉर्मूला, किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी एक्सियल पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल का एक्सियल पॉइंट होगा उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई नेट, ये रही। लॉजिक क्लियर है, हा या ना, कॉपी कर लो इसे, कॉपी इट डाउन। चले आगे, ठीक यहीं कर लेते हैं। केस टू, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ व्हाट, एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल, सबसे पहले समझो ये इक्वेटोरियल पॉइंट बीमारी क्या है। देखो अगर ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डायपोल है ऐसा, राइट, या माइनस क्यू या प्लस क्यू, तो इसका वो पॉइंट जो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करता है, ऐसा पॉइंट जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करता हो, ये क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी ये डी ये डी, टू डी अगर इनके बीच में डिस्टेंस है, तो एनी पॉइंट, यहां पे कोई सा भी पॉइंट, आर ऑल इक्वेटोरियल
पॉइंट्स, क्या कहलाएंगे बच्चे ये? इक्वेटोरियल पॉइंट्स, क्योंकि ये कहां लाई कर रहे हैं? उस डायपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। क्लियर है? इक्वेटोरियल उसे कहेंगे जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द डायपोल पे लाई करेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? कॉपी करें इसे, कॉपी डाउन। चले आगे। बढ़िया, देखो यार, ये आपका डायपोल है, डायग्राम बना देता हूं यहां पे, है ना? ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है यहां पे, ठीक। ये दूरी है यहां से यहां तक डी मान लो, और यहां से यहां तक भी डी है, सही। इस जगह है माइनस क्यू, इस जगह है प्लस क्यू। अब जब आप यहां पे देखोगे, तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस बताना चाह रहा हूं। अच्छा, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो आर है, ठीक है? यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये आर है, ये पॉइंट मान लो कोई ए मान लो, चलो ठीक। ये हो गया बी, ये हो गया सी। अब एक बात बताओ कि इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी सी की वजह से, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहां से दूर जाना चाहेगी ना, है ना, अवे, और इसके टूवर्ड्स। बोलो यार, कॉन्सेप्ट क्लियर है? ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए बी। ये मैं पढ़ा चुका हूं आपको, बी की वजह से और सी की वजह से, बी की तरफ और सी से दूर, नहीं? अच्छा, अब यहां पे ध्यान दो, या अगर कोई हॉरिजॉन्टल होता ऐसा, ऐसा अगर हॉरिजॉन्टल होता यहां पे, तो क्या करते, मतलब कैसे देखते? बड़े एक बात समझिए, यदि ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा बना रहा है, तो ये भी एंगल क्या बनाएगा? थीटा। ये एंगल थीटा है, ऑब्वियसली थीटा है, तो ये भी क्या रहेगा? थीटा। कैसे पता सर ये थीटा है? अरे यार, ये वाली साइड देख लो, ये वाली साइड देख लो, दोनों सेम है। कैसे सर? ये डी है, ये आर है, हाइपोटेनियस क्या हो जाएगी? रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये भी क्या हो जाएगी? रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। बोलो जी, हाँ या ना? लॉजिक क्लियर है? बढ़िया। अब मुझे क्या लगता है कि यहां पे इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक इस तरफ, मतलब ऐसा साइन कंपोनेंट, इसका भी साइन कंपोनेंट यहां जाएगा, और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, इसका साइन कंपोनेंट, इसका साइन कंपोनेंट कैंसिल आउट कर देंगे, कारण बताऊंगा। और इधर की तरफ दोनों के कॉस कंपोनेंट आ जाएंगे, राइट? यानी कि ईसी कॉस थीटा और ये ईबी कॉस थीटा। कोई भी डाउट है यहां तक तो बताइए।
तो ई नेट क्या होगा? ई नेट आ जाएगा बच्चों, ध्यान से देखिए, ई बी कॉस थीटा, ई सी कॉस थीटा, ई बी प्लस ई सी कॉस ऑफ थीटा। बोलो यार, आई बात समझ में? ई बी को क्या लिखोगे? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो डायरेक्शन ले चुके हो तो माइनस साइन की जरूरत प्लस साइन की जरूरत नहीं पड़ेगी, हाँ या ना? ठीक। अब अच्छा एक चीज और सुनो, मैं बता देता हूं। चलो के क्यू अपॉन डिस्टेंस कितनी है? आर स्क्वायर्ड प्लस डी स्क्वायर्ड की अंडर रूट का 1/2 का स्क्वायर, तो यही आ गया, प्लस यहां क्या चलेगा? कॉस थीटा। सही है, सही है बच्चों। के क्यू बाहर खींच दिया, यह आ गया आर स्क्वायर्ड प्लस डी स्क्वायर्ड प्लस आर स्क्वायर्ड, अरे मतलब एलसीएम तो वही है यार, सेम ही है, क्या कर रहा हूं मैं, ये आ गया 1+1 आर स्क्वायर्ड प्लस डी स्क्वायर्ड। बोलिए क्लियर है, हाँ या ना? अच्छा कितना आ गया? ट्वाइस ऑफ के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर्ड और ये कॉस थीटा प्लस डी स्क्वायर्ड इंटू कॉस थीटा। अब देखो कॉस थीटा को आप लिख सकते हो, कॉस थीटा को आप लिख सकते हो क्या? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। सही है, क्योंकि कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी डी बाय आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का अंडर रूट। क्लियर है ये बात? चलें आगे, क्या हो रहा है, आगे बढ़ो। ये हो गया के क्यू इंटू टू डी आर स्क्वायर्ड डी स्क्वायर्ड की पावर 3/2, ये ई नेट आ रहा है। अभी इसको बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में हम लोग रिड्यूस कर देंगे पी की टर्म्स में। कॉपी करें आप, कॉपी इट डाउन प्लीज। चले आगे, देखो अब ये इक्वेशन आ गई, ई नेट बराबर के पी
अपॉन में आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस नेगेटिव साइन बिकॉज ई नेट इज ऑपोजिट टू ई सॉरी टू पी. देखो ना पी इस तरफ है और ई नेट इस तरफ है तो ऑपोजिट है ना, इसीलिए माइनस आ गया. राइट ये इक्वेशन निकल के आती है जनरल. लेकिन मैं बता चुका हूं कि हमारे कोर्स में स्मॉल है इलेक्ट्रिक डायपोल. तो अगर बच्चों स्मॉल इलेक्ट्रिक डायपोल होगा उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, डी इज लेस देन आर, जिसका मतलब ये हुआ डी स्क्वायर इज वेरी मच लेस देन आर स्क्वायर. तो ये हम क्या बोल सकते हैं कि देयर फोर डी स्क्वायर कैन बी सेफली निग्लेक्टेड विद रिस्पेक्ट टू आर स्क्वायर. आर स्क्वायर के रिस्पेक्ट में हम इसे निग्लेक्ट कर सकते हैं. तो ई नेट कितना आया, माइनस का केपी अपॉन में ये हो गया आर स्क्वायर 3/2 कैंसिल, ये आ गया माइनस केपी अपॉन में आर क्यूब ई नेट. सही है मेरे भाई, ये आ गया. यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहां तक कोई तकलीफ समस्या नहीं होनी चाहिए. बोलो यार इज इट क्लियर, इज इट क्लियर. हाँ कॉपी करो. चलें आगे. यहां देखो एक चीज मैं यहां पे नोट कराना चाहता हूं. हेयर अगर मैं वी की बात करूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सही है, तो ये वी कितना हो जाएगा, वी बी वी सी, वी बी कितना है के क्यू अपॉन रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर. अरे यार के क्यू बाय आर माइनस के क्यू बाय प्लस का के क्यू बाय के क्यू माइनस क्यू के माइनस क्यू माइनस है ना, यानी कि जीरो. तो इससे क्या सीखने को मिला, पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल इक्वे टोरियल पॉइंट ऑफ ए डायपोल इज जीरो. पोटेंशियल क्या रहेगा वहां पे, जीरो. क्यों, क्योंकि पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल कैसे निकालते हो, के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन डिस्टेंस. डिस्टेंस ये थी, एक माइनस चार्ज था तो नेट जीरो आ गया. कितना आ गया, जीरो आ गया. इज इट क्लियर, हा या ना. वही कॉपी कर लो, चलो कॉपी कर लो इसे.
चले आगे नेक्स्ट। अब देखो फॉर एनी जनरल पॉइंट, यानी कि ना तो हम बात कर रहे हैं एक्सियल की, ना ही बच्चा हम बात कर रहे हैं किसकी, ना ही हम बात कर रहे हैं इक्वेटोरियल की, किसी भी जनरल पॉइंट की। अरे सर ये कैसे? देखो मान लो कोई डायपोल है ऐसे, ठीक, या आपकी कोई डायपोल मतलब सॉरी कोई डायपोल अगर मैं यहां पे बनाऊं तो ये डायपोल को मैं यहां पे दिखा देता हूं। उल्टा तिरछा क्यों बनाया, सीधा ही बना के बताते हैं। ये है सीधा बन रहा है, हाँ। अब इस पे कोई सा भी पॉइंट, मान लो ये पॉइंट ए है, नहीं। अब अगर हम लोग यहां पे देखें तो इसके बच्चे दो कंपोनेंट होंगे, एक तो ये वाला और एक ये वाला, यानी एक टेंजेंशियल और एक परपेंडिकुलर। बोलो यार यहां पे माइनस क्यू है, यहां पे प्लस क्यू है, ये एंगल थीटा है, ये कितना हो गया पी कॉस थीटा और ये हो गया पी साइन थीटा। अरे बोलो यार पी कॉस थीटा पी साइन थीटा दिख रहे हैं साफ साफ, यस और नो? अगर इनके बीच का डिस्टेंस डी है तो पी आ कितना गया क्यू इंटू डी, बात खत्म, राइट right? अगर मैं रिजल्टेंट पी की बात करूंगा, पी नेट, ये पी कॉस थीटा, पी कॉस थीटा एंड पी साइन थीटा के टर्म्स में लिखा जा सकता है। बोलो यार यस और नो? दिस आई कैन राइट इन टर्म्स ऑफ पी कॉस थीटा एंड पी साइन थीटा। अरे बोलिए, पी कॉस थीटा और पी साइन थीटा के फॉर्मेट में लिख सकता हूं मैं, क्लियर है? अब देखो अगर ध्यान से देखोगे आप, ए पॉइंट इज एन इक्वेटोरियल पॉइंट, परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर है ना पी साइन थीटा, हाँ यार इसके परपेंडिकुलर है। व्हाइल इट इज एक्सियल फॉर पी कॉस थीटा, किसके लिए इक्वेटोरियल है, पी साइन थीटा के लिए, परपेंडिकुलर है इसके लिए, खत्म। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल कैसे लिखा है हमने, एक्सियल पे क्या था, ट्वाइस ऑफ के पी अपॉन आर क्यूब, यही था। तो अगर मैं ए पॉइंट पे बात करूं तो बस बेटे पी की जगह क्या आ जाएगा, एक्सियल के पी कॉस थीटा आ जाएगा, बस खत्म। नहीं समझे, यस और नो? क्लियर है? डायरेक्शन क्या आएगी इसकी, इसकी डायरेक्शन आएगी मेरे लाल रेडियल डायरेक्शन आर, क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी जो है वो आर है। सही है ये आर। अब आर कैप हो गया। और यहां पे एक और चीज देखिए, हमने ई इक्वेटोरियल कैसे लिखा था, केपी अपॉन आर क्यूब, चेक कर लो ना, केपी अपॉन आर क्यूब। अजी बोलिए क्या ये केपी अपॉन आर क्यूब का फॉर्मेट आ जाएगा, यस और नो? केपी अपॉन आर क्यूब। अब मैं मतलब इधर की तरफ आएगा, इसके अपोजिट में आएगा ऊपर की तरफ, तो मैं उसी को पॉजिटिव ले लेता हूं,
ऊपर की टेंजेंशियल डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेता हूं, ये कौन सी डायरेक्शन है, थीटा की डायरेक्शन है, थीटा कैप बोल सकता हूं, है ना। मतलब ये होता है, ऐसे माइनस साइन के साथ आता है। तो ई इक्वेटोरियल क्या लिख दूं मैं, माइनस के पी की जगह क्या आ जाएगा, पी साइन थीटा आर क्यूब, और ये रहा थीटा कैप, सही है, क्योंकि ये कौन सी डायरेक्शन है माय डियर, टेंजेंशियल डायरेक्शन, टेंजेंशियल डायरेक्शन, यानी कि ये ए पॉइंट है, इससे इस तरफ और इस तरफ, ये हो गया ये ई एक्सियल और ये ई क्या था, इक्वेटोरियल, सही है। दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। अगर आपको ई नेट निकालना है तो हमें इनका वेक्टर सम करना पड़ेगा, बात खत्म। हमें इनका क्या करना पड़ेगा, वेक्टर सम, वो अभी करके देख लेते हैं, राइट। कॉपी करो इसे, कॉपी इट डाउन। चले आगे देखो, तो कुल मिला के ई नेट अगर मैं निकालने जाऊं कितना हो जाएगा, ई एक्सियल ई टेंजेंशियल का, या हम कहें इक्वेटोरियल का स्क्वायर, फिर कॉस 90 वो जीरो खत्म, नहीं, रूट अंडर ट्वाइस ऑफ के पी, कॉस थीटा था, एक्सियल कॉस में था ना, कॉस थीटा आर क्यूब का होल स्क्वायर प्लस केपी साइन थीटा आर क्यूब का होल स्क्वायर, माइनस था, माइनस का स्क्वायर करोगे प्लस आ जाएगा, राइट। तो ध्यान दो, अगर मैं कॉमन खींच दूं, केपी अपॉन आर क्यूब तो बाहर आ गया, रूट अंडर, सही, रूट अंडर, यहां क्या आ जाएगा, फोर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि केपी अपॉन आर क्यूब, ये हो जाएगा थ्री कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, नहीं समझे, मैं ये कह रहा हूं ये दोनों का समेशन वन हो गया। अब ई नेट कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा केपी अपॉन आर क्यू रूट अंडर वन प्लस थ्री कॉस स्क्वायर थीटा, लॉजिक क्लियर है, लॉजिक क्लियर है। तो अगर किसी भी जनरल पॉइंट पे दिया हुआ है तो आप आराम से इसको निकाल सकते हो इस फॉर्मुलेशन से, अंडरस्टूड यार, नो इश्यू। अच्छा, एक चीज आपको याद दिलाऊं मैं, जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक डायपोल निकाला था, डायपोल से पोटेंशियल निकाल, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, अगर पोटेंशियल निकालता तो क्या करता, ध्यान दो, यही देख लो, यही करा देता हूं, के क्यू अपॉन आर करता, नहीं, R माइनस डी बाई टू और फिर माइनस आपका के क्यू अपॉन आर प्लस डी बाई टू, यही करता ना, क्योंकि के क्यू बाई आर फॉर्मूला होता है, सॉल्व करते तो यहां पे आर स्क्वायर्ड आ जाता, राइट। कुल मिला के
यहां पे आंसर क्या आता, आर स्क्वायर्ड। तो क्या मैं इतना सा चेंज नहीं लिख सकता कि जो इसमें आर क्यूब आया वहां पे बस आर स्क्वायर्ड आता और ये टू नहीं आता? ठीक है, इसका डेरिवेशन होमवर्क है, बाकी मैं यहां पे लिख रहा हूं, मैं तरीका बता दिया, खुद से करना है, कल मैं करा भी दूंगा, होमवर्क है। डिराइव वी एक्सियल फॉर ए एन इलेक्ट्रिक डायपोल, और वैसे कितना होता है ये वी एक्सियल बराबर, एक्सियल बराबर कितना, केपी अपॉन आर स्क्वायर्ड, राइट। और ये स्केलर क्वांटिटी है, टू नहीं आएगा बस, क्या है ये स्केलर क्वांटिटी। और v जो है वो उसके लिए कितना हो जाता है, इक्वेटोरियल के लिए जीरो। आ गई बात समझ में, इक्वेटोरियल के लिए जीरो और इसके लिए kp अपॉन r स्क्वायर्ड, राइट। कितना आ जाता है kp अपॉन r स्क्वायर्ड। ठीक है मेरे भाई, हाँ या ना? तो अब इसमें एक चीज लास्ट देख लेते हैं, तो ये क्या था, ई एक्सियल और ये ई इक्वेटोरियल, अब इनका रिजल्टेंट तो ऐसा आएगा ना, और ये एंगल बना रहा है अल्फा, तो टेन अल्फा कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर ये हो गया ई इक्वेटोरियल अपॉन में ई एक्सियल, सही है। कितना आया ये इक्वेटोरियल वाला, कितना था, कहां गया, केपी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब, केपी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब, और ये कितना था, ट्वाइस ऑफ केपी कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब। मुझे लगता है केपी आर क्यूब कैंसिल, यहां पे आ जाएगा टेन अल्फा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा डिवाइडेड बाय टू, तो इनके बीच का एंगल निकालना है, रिजल्टेंट और इसके बीच का एंगल, एक्सियल के बीच का, वो क्या हो जाएगा, टेन थीटा बाय टू का टेन इनवर्स। ओके, खत्म। अच्छा, इक्वेटोरियल का पोटेंशियल तो देख ही चुके थे, जीरो आएगा, ये तो डिराइव कर लिया था। अब लास्ट हमारे पास में क्या आ गया, हमारे पास में आ गया फाइनली लास्ट मोमेंट पे हम लोग इसको क्या कर लेंगे, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट। तो देखो वी ए एक्सियल मान के कितना आएगा, केपी अपॉन आर स्क्वायर, और एक्सियल किसके लिए था, पी कॉस थीटा के लिए, तो केपी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, सही है। और वी ए इक्वेटोरियल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जीरो, तो वी नेट कितना हो गया, खत्म। आई बात समझ में, हाँ या ना? होमवर्क भी दिया, ये पूरा डेरिवेशन, पूरा कंक्लूजन हमने डिराइव कर लिया, समय भी लगा, लेकिन हाँ ये टॉपिक आज कंप्लीट। ओके, अब टॉर्क और वर्क डन रह रहा है डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड में, कॉपी कर लो, खत्म है ये, कॉपी डाउन।
ठीक है भाई, दिस इज प्रीटी मच इट फॉर टुडे। बहुत अच्छे से हमने इसे देख लिया, आई होप आपको अच्छे समझ में भी आया हो। थैंक यू सो वेरी मच, लव यू ऑल, प्लीज टेक केयर। मिलते हैं अगले सेशन में, पढ़ते रहिए बहुत अच्छे से, होमवर्क जरूर करना। बाय बाय, जय हिंद।